हेलो, हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका रीजन ये है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी पहले, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा यूके में रहने का खर्चा कितना लगता है। इसमें हमने मंथली बात करी थी ना, तो उसके अंदर जो मेरा खर्चा आया था काफी ज्यादा कम खर्चा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था 900 पाउंड समथिंग मेरा उस पर खर्चा आया था पूरे महीने का, कि मेरा टोटल महीने में 900 पाउंड समथिंग मेरा खर्च होता है, जिसके अंदर मेरा रहना खाना, मेरा फोन, मेरा वाईफाई, मतलब जितनी भी चीजें होती हैं सारा का सारा खर्चा मिला के 900 साढ़े 900 कुछ ऐसा पाउंड मेरा वहां पर खर्चा आता था पर मंथ का ना। बट अब सिनेरियो थोड़ा अलग है। रीजन उसका यह है कि मैंने खुद का घर ले लिया है तो मुझे मॉर्गेज भरनी पड़ती है, मैंने खुद की कार ले ली है तो इंश्योरेंस वगैरह काफी सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है, तो जो मेरा खर्चा है एक तरीके से डबल से ज्यादा हो गया या फिर डबल ही हो गया एक तरीके से ना। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो मेरा खर्चा है वो डबल क्यों हुआ है। अगर बाई चांस आप यूके के अंदर घर लेते हो, कार वगैरह लेते हो, आपकी खुद की कार है, खुद का घर है, तो क्या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जो बिल है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, क्या वाटर बिल के अंदर चेंजेस आएंगे, क्या आपका जो काउंसिल टैक्स है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं मेनली इसके अंदर बात करने वाला हूं कि बींग ए हाउस ओनर आपका कितना खर्चा हो सकता है या फिर कितना खर्चा आ सकता है पर मंथ। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जो मोटा मोटा खर्चा है ना वो डिवाइड मतलब निकाल लेते हैं ना। तो जो भी हम लोग खर्चा मोटा मोटा खर्चा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर बाई चांस आप घर लेते हो या फिर अगर आप रेंट पे भी रहते हो, तो आप अकेले, अब जैसे मैं सिंगल हूं तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, तो मेरे साथ जो इंडिविजुअल रहता है तो वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करता है। जैसे कि मोटा जो खर्चा है, जो मेरा मोर्गेज आता है वो भी वो शेयर करते हैं 50%, क्योंकि रीजन ये है कि अगर वो कहीं और जाके रहेंगे तो उन्हें रेंट पे करना पड़ेगा। बाई चांस अगर वो मेरे पास रहते हैं तो वो एक तरीके से रेंट ही दे रहे हैं, क्योंकि अपना जो मोर्गेज है वो दे रहे हैं ना। तो वैसे जिस घर में मैं रहता हूँ ये 3 बेडरूम है ना, 3 बेडरूम है इस घर के अंदर, और टोटल मिला के ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। तो एक तरीके से मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है ये, और मैं अपनी जो जो क्या बोलते हैं प्राइवेसी है उसको एंजॉय करता हूँ, और उनके लिए भी ज्यादा फायदा है क्योंकि एक इतने बड़े घर के अंदर हम 2 जने रहते हैं, तो काफी अच्छा है और काफी सस्ता भी पड़ता है उनके लिए, है ना। तो जो मॉर्गेज है उसको हम लोग 50-50% में डिवाइड करेंगे। इतना सस्ता और कहीं पे घर मिलता नहीं। अगर आप कोई इतना बड़ा घर जाके रेंट के ऊपर लेगा तो उनको वैसे भी इतना सस्ता घर नहीं मिलेगा। तो हाँ, मॉर्गेज को भी हम लोग 50% में डिवाइड करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी 50% में डिवाइड करेंगे, वाटर बिल को भी 50% में डिवाइड करेंगे। जो जो चीजें 50% डिवाइड हो सकती है तो वो हम लोग डिवाइड करेंगे। सेकेंडली दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि अगर आप ऐसे सोचो कि भाई मैं तो अकेला नहीं रहता हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ रहता हूँ, आप अगर बाई चांस अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट होते हो, अगर आपका खुद का घर है तो इसका मतलब ये कि आपकी वाइफ भी कमा रही है ना, तो वो जो खर्चा है वो भी एक तरीके से डिवाइड होगा। या तो आप अपनी वाइफ के पैसे बचा लो, है ना, या फिर आप अपने पैसे बचा लो, या तो अपने पैसे से अपना जो रेंट है या फिर मॉर्गेज है या फिर आपकी जो कार है इन सबको भर दो और आपकी जो वाइफ है उसके पैसे बच जाए वहां पे, है ना, या फिर आप अपनी वाइफ के पैसे से मॉर्गेज वगैरह सारी चीजें भर दो और आपका जो पैसा है वो सेव हो जाए। तो बात तो घुमा फिरा के वहीं आएगी, अगर 2 इंडिविजुअल रहते हैं तो जो खर्चा है वो 50-50 डिवाइड होगा। या तो आप एक का सेव कर लो या दूसरे का खर्च कर लो, या फिर दूसरे का सेव कर लो या एक का खर्च कर लो, समझ गए, है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारा मॉर्गेज, मेरा मॉर्गेज कितना आता है। तो भाई मेरा जो मॉर्गेज आता है पर मंथ हर महीने, मॉर्गेज का मतलब मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ कि जैसे अपने अपने देश के अंदर ईएमआई चलती है, हम लोग कोई घर लेते हैं लोन के ऊपर, तो आपने लोन लिया और हर मंथली आपको वो जो लोन पे करना पड़ता है, इजी मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स होती है वो यहाँ पे मॉर्गेज की तरह एक तरीके से, है ना। तो मेरा जो मंथली जो मेरा मॉर्गेज आता है वो आता है मेरा 1018 पाउंड, 118 पाउंड मेरा मॉर्गेज आता है एक तरीके से। जो रेंट पे रहते हैं वो अपने हिसाब से देख लो इस चीज को, है ना। तो जो मेरा मॉर्गेज है वो 1018 पाउंड आता है। तो देखो अब जो मेरा मॉर्गेज 1018 पाउंड आ रहा है, इस तरीके से ये है कि जब मैं रेंट पे रहता था तो मेरा जो रेंट था वो 600 पाउंड था, बट अब ये बढ़ के 1018 हो गया। बट ये मेरा खुद का घर है, कल को मैं इस घर को बेचता हूँ तो जो भी मैंने पैसा भरा एक तरीके से मुझे वो वापस मिल जाएगा, मतलब मुझे वो रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इस घर की जो वैल्यू है मुझे मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती हैं वो बढ़ती ही है ना, कम बहुत रेयर चांस में होती है ना। तो क्या होगा कि एक तरीके से जो भी पैसा मैं भर रहा हूँ ये मुझे एट द एंड जब भी मैं घर बेचूंगा तो मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये जो भी खर्चा मैं दे रहा हूँ इन लोगों को, ना, एक तरीके से मैं अपने लिए दे रहा हूँ ना। चलिए तो ये हमारा हो गया 118 पाउंड्स मेरा मॉर्गेज। उसके बाद अब जब भी कोई घर लेते हो तो घर के ऊपर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो 50-100 पाउंड आपका इंश्योरेंस लेके चलते हैं कि जिसके अंदर आपके जो घर की जो भी चीजें हैं फायर वगैरह से इन सबसे जितना जो भी आपका इंश्योरेंस है घर की प्रोटेक्शन के लिए वो आपने इंश्योरेंस करवाया। इसमें मैं लेके चलता हूँ 100 पाउंड्स, है ना, राउंड फिगर में लोग लेके चलते हैं। तो मेरा जो इंश्योरेंस है घर का वो हो गया मेरा 100 पाउंड्स। दूसरी चीज आती है मेरी काउंसिल टैक्स। तो मैं जो काउंसिल टैक्स पहले भरता था वो थोड़ा कम था, अभी जो भरता हूँ ये ज्यादा है क्योंकि ये मेरा डिटैच हाउस है, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, 3 बेडरूम है, काफी बड़ा घर है। तो जो मेरा इसका काउंसिल टैक्स आता है वो 168 पाउंड्स इसका आता है ना। अभी जो भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इसी चीज को लंदन से कंपेयर करते हो तो कोई बच्चा अगर रेंट पे लंदन में रहता है तो उसी का खर्चा 1600-1700 पाउंड तो उसका नॉर्मल रेंट ही चला जाता है, बल्कि मेरे को तो यहाँ पे एक तरीके से घर मिला हुआ है 1000 पाउंड के अंदर, जो कि मेरा खुद का घर है, है ना। चलिए तो ये मेरा हो गया काउंसिल टैक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। तो मैंने हाल ही में जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो चेक किया है, क्योंकि अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था उसके अंदर ही मैंने सारी चीजें देखी।
तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस का दोनों का जो कंबाइंड जो बिल आता है वो मेरा आता है 150 pounds, है ना। देखो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, कितनी गैस यूज करते हो। मैं तो ये कहूंगा जहां आप बचा सकते हो चीजों को वहां बचाओ। अगर आपको लगता है आपके घर के टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको इतने टेम्परेचर के ऊपर रखना है या फिर इतना एफिशिएंट होता है इतना टेम्परेचर जो कि आपका कम गैस और कम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो उस टेम्परेचर के ऊपर अपने घर को रखो, है ना। तो हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस का मेरा टोटल आया है वो मेरा 150 pounds आया है। और ये अभी नहीं आया है, ये मेरा पूरे जो मैं 3 महीने हैं उसका मैंने पूरा एवरेज निकाला है, तो 150 pounds मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है। उसके बाद बात करता हूँ मेरे वाटर बिल की। तो जो मेरा काउंसिल है उसकी तरफ से पानी आता है यहाँ पे, तो पर उसका जो बिल है आपको पे करना पड़ता है, तो मैं मंथली उसके 40 pounds पे करता हूँ। और जब मैंने जाके देखा मेरे अकाउंट के अंदर, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी डेबिट या फिर क्रेडिट में हूँ, तो मेरा जो बिल है एकदम क्लियर है, मेरा 40 pounds पर मंथ का बिल हो गया है यहाँ पे। तो लास्ट जो खर्चा आता है जो कि हम दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है, वो होता है हमारा वाईफाई का, क्योंकि वाईफाई मैं भी यूज करता हूँ और जो इंडिविजुअल मेरे साथ रहते हैं वो भी हमारा जो वाईफाई है वो यूज करते हैं यहाँ पे, ना। तो जो हमारा वाईफाई है वो काफी अच्छा वाईफाई है, क्योंकि हम फाइबर ऑप्टिक वाला यूज करते हैं, है ना। काफी अच्छी उसकी स्पीड है और मुझे चाहिए भी इसलिए क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरे को काफी काम है, मेरी क्लासेस भी चलती हैं, दूसरी मैं कुछ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरे को उसके लिए भी चाहिए होती है ना, तो सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो उसके लिए वाईफाई काफी अच्छा होना चाहिए आपके पास, कोई लैग नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो जो मेरा वाईफाई है, पहले मैं शायद 36 pounds भरता था। मैं आप लोगों को एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, एक अच्छी ट्रिक है ये, कि अगर आपके वाईफाई का आपको लगता है कि आपका जो वाईफाई है उसका जो पैसा है या फिर मंथली जो आप भर रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है, तो एक बार अपनी कंपनी में बात करें, अगर आपसे बार्गेनिंग हो सकती है तो आप कर सकते हैं। जब मैं पहले मेरा जो वाईफाई मैं यूज करता था वो यूज करता था फाइबर 65, है ना, फाइबर ऑप्टिक 65 मैं यूज करता था, तो उसका मैं 32 या 36 समथिंग, मेरे को इतना सही तरीके से भी याद नहीं है, बट हाँ मैं इतना ही भरता था। फिर मैंने इनको बोला कि मेरे को मेरा जो वाईफाई है अपग्रेड करना है, बट मेरे को कम प्राइस में चाहिए। इन लोगों ने मेरा वाईफाई है वो अपग्रेड भी किया, जो कि मेरा फाइबर ऑप्टिक 150 कर दिया इन लोगों ने 65 से, और जो मेरा वो क्या रेट है वो भी इन लोगों ने कम कर दिया, वो मेरा 28 pounds कर दिया, क्योंकि मैं एक तरीके से लॉयल कस्टमर हूँ इनका, 2.5 साल से मैं इनके साथ ही हूँ, एक ही जो मेरा नेटवर्क उनके साथ था, तो उन लोगों ने लॉयल्टी के हिसाब से जो मेरा वाईफाई का जो प्राइस था वो भी कम कर दिया, और जो फाइबर ऑप्टिक 165 था उसको बढ़ा के 150 भी कर दिया। तो देखो आपको बात करनी पड़ेगी, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी कि मैं ये जो खर्चा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हो तो आप कम कर दो, अगर आपको लगता है आप कम नहीं कर सकते हो तो मेरे को बाकी सारी कितनी सारी कंपनीज हैं वो भी ऑफर दे रही हैं, तो काफी सारे आपको ऑफर्स मिल जाते हैं। जब उनको पता चलेगा कि आप दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कम करके देंगे। ठीक है, और आप यूज कर सकते हो इसको, ना, क्योंकि अगर मैं 36 pounds या 28 pounds के बीच में भी डिफरेंस देखता हूँ तो लगभग ये 8 pounds का डिफरेंस आता है ना, तो पर मंथ 8 pounds का डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है। इसको आप अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हो, कुछ आपकी मर्जी, आप कुछ खा सकते हो, कुछ हेल्दी खा सकते हो, ना, 8 pounds में काफी सारी चीजें आ जाती है, है ना। काफी ज्यादा तो नहीं, पर एटलीस्ट कुछ आ सकता है जो कि आप अपने शरीर को दे सकते हो ना, वो वेस्ट करने के बजाय, है ना। काफी सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, 8 pounds बचा रहे हैं, बचाने पड़ते हैं, चले, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पे बता दिया मैंने आप लोगों को कि भाई हम दोनों का टोटल मिला के जो खर्चा है वो कितना आता है, जो हमारा मोटा खर्चा है जो कि हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब 50% शेयर करते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल खर्चा आया है वो एक तरीके से लगभग मैं आपको राउंड फिगर में बता देता हूँ, वो आता है हमारा 1500 pounds। तो मतलब 1500 pounds आता है, जिसके अंदर 750 उनका है और 750 मेरा है, मतलब 750 pounds आया है। अब उसके बाद बात करते हैं मेरे इंडिविजुअल खर्चे के बारे में, जो कि मैं किसी से डिवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चीजें अपने हिसाब से करना पसंद करता हूं, मेरे को मेरी प्राइवेसी पसंद है, मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ पसंद है। तो जो मेरी पर्सनल चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरा पर्सनली कितना खर्चा आता है पर मंथ, है ना। तो ये तो हो गया जो कि हम लोग शेयर करते हैं, जो कि हमारा हो गया 750 pounds पर हेड। अब बात करते हैं इंडिविजुअली खर्चा मेरा कितना आता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। मैं मेरा लाइफ इंश्योरेंस करके रखा है मैंने, दूसरा मैंने मेरी क्या बोलते हैं सैलरी का इंश्योरेंस भी करवा के रखा है। सैलरी का इंश्योरेंस इसलिए करवा के रखा है, आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में, जो भी शायद अगर यूके से वीडियो देख रहे हैं या फिर जो इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर आप यूके के अंदर काम करते हैं एज रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं एनएचएस के अंदर, तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी सिक लीव के ऊपर जाते हो तो सिक लीव के ऊपर एक टाइम पीरियड होता है कि आप कितने साल यहाँ पे काम कर रहे हो एनएचएस के साथ या फिर ट्रस्ट के साथ, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। कि जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आप इसको सीरियस लेके नहीं, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ना, कि आपने छुट्टी ली, सिक लीव ली, आपकी 2 महीने तक फुल पेड आपकी सैलरी आएगी, मतलब जितनी आपकी नॉर्मल सैलरी आती है उतनी नॉर्मल सैलरी आपकी आएगी 2 महीने तक। 2 महीने के बाद आपकी 50% सैलरी हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो आपकी मतलब तीसरे महीने और चौथे महीने जो आपकी सैलरी आएगी वो 50% सैलरी आएगी, लगभग जो भी सैलरी आपकी आती है उसका आधा हिस्सा आपके पास आएगा, बाकी आधा नहीं आएगा क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि आपके पास सैलरी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जो मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा है वो मेरी सैलरी के ऊपर मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा है। बाई चांस अगर ऐसा कोई क्रोनिक इलनेस आ जाती है या फिर कोई भी ऐसी इलनेस आ जाती है जिसके चलते मैं ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मेरे काम के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो आती रहेगी, चाहे वो एनएचएस की तरफ से आए, चाहे वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आए,
तो उसका मैं इंश्योरेंस वहाँ पे करता हूँ। तो एक तो ये हो गया, और बाकी जो हेल्थ कवर है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली के लिए सारी चीज़ें, देखो बात करनी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सब नेगेटिविटी है, ये सब कुछ भी हो सकता है, देखो इंसान कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं मेरी तरफ से ये चीज़ें सेफ्टी लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे देश में रह रहा हूँ, है ना, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो कल को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट वो सहारा रहेगा उनके लिए, है ना। तो ये चीज़ें बात करनी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, अगर आप लोग बात करो तो ज़्यादा अच्छा है इसके बारे में, है ना। तो हाँ, तो भाई मेरा जो भी इंश्योरेंस मैं पे करता हूँ, चाहे वो सैलरी का हुआ किसी भी चीज़ का हुआ, तो मेरा टोटल 35 pounds मैं पे करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग यंग हैं, जो भी नर्सिस यहाँ पे आ रही है आप लोग यंग हो तो आपका जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी कम आएगा, है ना। तो भाई हाँ, मैं इतना पे करता हूँ, मेरा 35 pounds आता है ना। और भाई मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ, आप किसी से बात करें, अगर कोई इंश्योरेंस वाला आपको जानता है तो उसकी तरफ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, यूके में काफ़ी लोग ऐसे, है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा 35 pounds, 35 pounds मैं मेरे इंश्योरेंस का यहाँ पे भरता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड चीज़ की, जो कि है मेरा फ़ोन। तो मेरे पास आईफोन 14 प्रो है और मैं वोडाफोन की सिम यूज़ करता हूँ, तो मैंने एक तरीके से ये फ़ोन विद सिम जो प्लान आते हैं वो मैंने लिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक फ़ोन देंगे और एक सिम देंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर अनलिमिटेड कॉल्स होती हैं, लिमिटेड डेटा होता है, और क्या बोलते हैं, आपको इंडिया बात करनी है तो कुछ लिमिटेड आपको कॉल्स मिलती है, इंटरनेशनल कॉल्स मिनट्स मिलती हैं कुछ, बट अगर आपको व्हाट्सएप वगैरह यूज करनी है, आप सभी को पता है कि हम लोग ज्यादातर व्हाट्सएप के ऊपर ही बात करते हैं ना अपने पेरेंट्स वगैरह से वीडियो कॉल के ऊपर, तो अनलिमिटेड डेटा वगैरह हो गया। तो ये मेरे को बाकी इसके अलावा और कुछ सोचना ही पड़ता है, मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो अगर वाईफाई नहीं है तो मेरे पास फोन है, वोडाफोन है, उसके अंदर मेरे सारा अनलिमिटेड डेटा वगैरह है। तो इसके अंदर टोटल मिला के मैं 57.30 pounds मेरे मंथली कटते हैं, जिसके अंदर मेरा आईफोन 14 प्रो आ गया है और बाकी मेरा जो सिम है वो आ गई है, यहाँ पे इतना ज़्यादा खर्चा इसका है नहीं। उसके बाद अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो, अगर आप जानते हो मेरे बारे में, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मैं फिटनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हूँ और मैं जिम वगैरह जाना पसंद करता हूँ, एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ। तो मैं जो जिम जाता हूँ वो जाता हूँ मैं जेट्स, है ना। जेट्स जिम जाना मैं क्यों प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे JD भी है, मेरे काउंसिल की जिम भी है और एक जेट्स जिम भी है। तो जेट्स जाना मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि जो जेट्स जिम है वो 24/7 ओपन रहती है, मतलब 24 घंटे 7 दिन ओपन रहती है। और बीइंग ए नर्स, कभी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, कभी आपकी इवनिंग शिफ्ट है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जिम जा सकते हो। मानो कि अगर मैं आज नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, मैं 2 घंटे आगे सो गया, मैं जिम चला गया, मैं नाइट करके आया 10 घंटे सो गया, मैं जिम चला गया, या फिर सीधा नाइट से आने के बाद जिम चला गया, मॉर्निंग शिफ्ट से आने के बाद जिम चला गया, तो 24 घंटे खुली है, आपकी मर्जी, आपको जब जाना है आप उसको यूज कर सकते हो। आपको एक कार्ड मिलता है, आप कार्ड लगाओ, एक्सेस करो और आप जाके जिम आप यूज कर सकते हो। तो हाँ, मैं इसका जो पे करता हूँ मेरी जिम का पर मंथ, वो 25 pounds पे करता हूँ। वैसे 28 या 29 pounds है अभी, जो थोड़ा बहुत रेट भी इंक्रीज हुआ होगा तो 28, 29, 30 pounds भी होगी, बट मेरा इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि मैं एक NHS एम्प्लॉई हूँ, मैं NHS में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे NHS का जो है डिस्काउंट वो मुझे मिलता है, तो मुझे 25 pounds ही पर मंथ यहाँ पे देने पड़ते हैं। ये हो गया मेरे जिम का। अभी अगर आप जिम जाते हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि आपके खुद के कुछ सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हो। मैं स्पेशली यूज़ करता हूँ प्रोटीन, है ना, क्योंकि प्रोटीन इंटेक मैं अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज खाता हूँ, बट मेरा एक एक्सट्रीम लेवल नहीं है नॉन वेज खाने का। खाली मैं जो डिपेंड करता है, मैं खाली चिकन और एग्स के ऊपर डिपेंड करता हूँ, बाकी मैं डिपेंड हूँ मतलब चिकन और एग्स के ऊपर, बाकी जो बाकी नॉन वेजिटेरियन थिंग्स हैं वो मैं नहीं खाता हूँ, है ना। तो उसको जो बाई चांस अगर ऐसा होता है कि मैं नेचुरली कोई प्रोटीन नहीं ले पाता हूँ पूरे दिन में, अगर मेरी जो शेड्यूल है वो बिजी है, तो वहाँ पे मैं प्रोटीन पाउडर का इंटेक करता हूँ, और बट मैं ये हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि जो भी मेरा प्रोटीन है वो नेचुरली आए, है ना। और अगर बाई चांस मैं वहाँ पे डेफिशिएंट रह जाता हूँ तो मैं प्रोटीन पाउडर को वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा जो प्रोटीन पाउडर का जो खर्चा आता है वो नॉर्मल आता है, तो वो 100 pounds पर मंथ का आप लेके चलो, जिसमें मैं प्रोटीन आइसोलेट यूज करता हूँ, है ना। और बाकी अभी भाई सेल चल रही है, आप लोग जाके ले सकते हैं अमेजोन के ऊपर काफी अच्छा प्रोटीन वगैरह की, क्योंकि अभी ये क्रिसमस का टाइम है। तो मैं क्या करता हूँ यूजुअली, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जो भी सेल चलती है, तो जो मैं प्रोटीन लेता हूँ वो शायद 57 point something pounds का आता है, बट अभी हाल ही में क्या बोलते हैं बॉक्सिंग डे के ऊपर जो प्रोटीन के ऊपर जो सेल आई थी 50% सेल रही थी, तो मेरे को 23 pounds में मिला था। 50% ज्यादा की सेल थी तरीके से, वो ना 23 pounds में मिला था, तो मैंने क्या किया 4 डब्बे एक साथ मंगवा लिए। तो इसका मतलब यह है कि अब वो काफी लंबे समय तक चलेंगे। तो देखो, आपको छोटी छोटी ट्रिकें बता रहा हूँ मैं, जो आप अपना पैसा बचा सकते हो ना, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप 2 डब्बे खरीद करके 100 pounds दो, और एक आपको 50 pounds में 2 डब्बे मिल जाते, एक तरीके से 50 pounds आपके बच रहे हैं, उन 50 pounds को आप कहीं और लगा सकते हो, सही बात है कि नहीं। तो हाँ, मैं क्या करता हूँ कि जिस दिन सेल चलती है तो मैं 4-5 डब्बे मंगवा लेता हूँ अपने लिए, ताकि मेरा आगे तक का स्टॉक रहे, क्योंकि एक्सपायर तो होगा नहीं वो, क्योंकि काफी लंबा टाइम होता है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह। पर जिस दिन सेल खत्म होती है तो उसका जो प्रोटीन का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाइक हो जाता है, वो हो जाता है 45 pounds हो गया, 50 pounds हो गया, 57, 58, 68, 75 pounds तक मैंने प्रोटीन का रेट जाते हुए देखा है ना। तो हाँ, वो मैंने खरीद लिया, अभी 23 pounds है मेरे को एक डब्बा मिला है, तो मैंने 4 या 5 डब्बे कुछ ऐसे ऑर्डर करें जो कि मेरे पास आ जाएंगे, है ना।
तो एक तरीके से 100 पाउंड में मेरा ही काम हो गया सारा का सारा, है ना। चलिए तो ये हो गया मेरा प्रोटीन, तो हम लोग पर मंथ का लेके चले तो 100 पाउंड एक हम इसको लेके चल रहे हैं ना। मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि कितना खर्चा होता है ना। ट्रिक्स इसको लेनी हो ले सकता है, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैं जैसे आपको बताया मैं सेलेक्टिव ईटिंग करता हूँ, मुझे मेरा खाना खुद खरीदना खुद पकाना पसंद है ताकि मुझे ये पता रहे कि मैं क्या खाता हूँ, कैसे खाता हूँ और कैसे पकाता हूँ, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, कितनी कैलोरीज हैं, कितने माइक्रोस हैं, कितने मैक्रोस हैं। और सेलेक्टिव ईटिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एक बार आप ट्राई करके देखो इस चीज़ को, है ना। आपको हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी और आपको ये भी पता होगा कि आप क्या खा रहे हो। आप अपनी मर्जी से खा सकते हो ना, अगर आप कैलोरीज काउंट करते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हो, आपकी जो मर्जी है वो आप खा सकते हो। तो भाई टोटल मिला के जो मेरा खर्चा आता है इन सब चीज़ों का, वो मेरा आपको बताऊँ तो 150 से 200 पाउंड में मेरा सारा काम हो जाता है। तो मेरा काफ़ी कन्वीनियंट है, काफी अच्छा भी, सस्ता भी है यार। 150 से 200 पाउंड के अंदर मेरा पूरा का पूरा काम हो जाता है पूरे महीने का, है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं पर मंथ 100 पाउंड इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका जो बार है मैंने वो एक्सटेंड करके उसको 200 पाउंड कर दिया है। अभी मेरा जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 200 पाउंड होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो खाली जा ही रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ रिटर्न भी मेरे पास आता है ना। तो अगर मैं 200 डालता हूँ तो शायद ज्यादा रिटर्न आ जाए या फिर कम रिटर्न आ जाए, तो वो डिपेंड करता है ना। तो पर मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ कि ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट है पर मंथ का वो मेरे 200 पाउंड का है, तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं। बाकी देखो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे मैं मेरे प्रोटीन इंटेक के बारे में बता रहा हूँ, चाहे मैं जिम के बारे में बता रहा हूँ, मैं मेरे खाने के बारे में बता रहा हूँ, मैं मेरे इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ और मैं मेरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये आपका इंडिविजुअल खर्चा है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये सारा खर्चा आप निकाल दो, आप काफ़ी सस्ते में रह लोगे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी तरह करना है जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो वो आपको महंगा पड़ेगा बट कहीं ना कहीं आपको फायदा देगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा एक वीडियो के अंदर कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को क्या फायदा देती है ना, और मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट से क्या एक चीज ली है जो आप लोगों को बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको नहीं करनी है तो आप नहीं करें, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं बीइंग ए नर्स। अगर आप यहाँ पे एज रजिस्टर्ड नर्स काम करते हैं तो यहाँ पे यूनियन से, तो जिसके अंदर की मैं आरसीएन में एनरोल कर रखा अपने आपको रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग उसके अंदर, तो जिसके अंदर की एक तरीके से जो मेरा इंश्योरेंस का जो मेरे को जो मेरा पिन है नर्सिंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करती है आरसीएन। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पेशेंट के साथ मेरा कोई इशू हो गया, मेरे कलीग के साथ मेरा कोई इशू हो गया, सारी चीजें कुछ भी हो जाती है बाई चांस मेरे वर्क प्लेस के ऊपर, तो मेरे जो मेरा पिन है, मेरा जो लाइसेंस नंबर है, मेरी जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है उसको जो प्रोटेक्ट करता है वो आरसीएन प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके से मेरे को एक रिप्रेजेंटेटिव देता है जिसके थ्रू मैं कोर्ट में जाके केस लड़ सकता हूँ। तो उसके पर मंथ मेरे को पे करने पड़ते हैं 16.40 पाउंड, है ना। तो एक तरीके से 16 पाउंड और 40 पेंस मेरे को वहां पे करने पड़ते हैं, बट ये मेरी खुद की सिक्योरिटी के लिए है, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हर साल अपने रजिस्ट्रेशन का पैसा देना पड़ता है, आपकी नर्सिंग लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है, उसका मैं पर मंथ पे करता हूँ। पर मंथ तो पे नहीं करता हूँ उसका, मैं हर फोर्थ मंथ पे करता हूँ। तो मैं आपको पर मंथ के हिसाब से बताऊँ तो वो मेरा 10 पाउंड पर मंथ मेरा यहाँ पे खर्चा लगता है। उसके बाद जो मेरा सबसे मोटा खर्चा ऐड हुआ है ना मेरे पर मंथ के इसके अंदर, वो मेरा हुआ है भाई मेरी कार का। तो मेरी जो कार है वो लगभग जिसके अंदर मेरी इंश्योरेंस, मेरी कार, मेरा सर्विस और क्या बोलते हैं इसको, मेरी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक कार है मेरे पास, ये सारी चीज़ें अगर मैं मिला लेता हूँ तो मेरे को 300 पाउंड पर मंथ पड़ती है। बट भाई मैंने कार लेके बहुत ज़्यादा सही किया, मेरा जो 300 पाउंड जा रहा है वो मुझे दुख नहीं रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो कार मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रही है ना, बहुत कन्वीनियंट हो गया है मेरे लिए सारी चीज़ों को लेकर। मेरे को कोई कैब बुक नहीं करनी पड़ती है, खुद की कार है, कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस समय मेरे को यहाँ पे जाना है, वापस इस समय तक वापस आना है, तो खुद की गाड़ी है, कोई इशू नहीं है ना। तो 300 पाउंड मेरे को मेरी कार का यहाँ पे देना पड़ता है, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कार लेने के बाद। तो भाई जितना भी ये खर्चा है ये मेरा इंडिविजुअल खर्चा है, अगर आप चाहें तो आपका ये हो सकता है, अगर आप ना चाहें तो आपका आप इस खर्चे को हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो हाँ, जो ये मेरा इंडिविजुअल खर्चा है तो भाई ये टोटल मेरा मिला के पड़ता है 944 पाउंड्स। तो इसको हम लोग एक राउंड फिगर में लेके चलते हैं 950 पाउंड्स, थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे कभी हो गया तो 950 पाउंड्स वगैरह। बाकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदता रहता हूँ ना, जैसे कि मैंने कभी शूज़ खरीद लिए, कभी जैकेट खरीद ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी कहीं घूमने के लिए चला गया, तो 60-70 पाउंड ऊपर लेके चलेंगे, इसको 1000 पाउंड लेके चलते हैं, ठीक है हम लोग। तो 1000 पाउंड मेरा इंडिविजुअल खर्चा हो गया, और बाकी जो मैंने आपको बताया था 750 पाउंड्स हम दो लोगों का खर्चा है, जो कि डिवाइड होता है 1500 पाउंड में से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 750 पाउंड। तो 1000 + 750 ये मेरा हो गया 1750 पाउंड मेरा खर्चा हो गया। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई नर्सिस की जो सैलरी है वो 2000 पाउंड है, तो आप इस खर्चे को कैसे मैनेज करते हो। देखो बीइंग ए हाउस ओनर आपका जो खर्चा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी मॉर्गेज ज्यादा होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा होगा,
आपका काउंसिल टैक्स ज्यादा होगा, बाकी घर में छोटा मोटा खर्चा वगैरह ये सारी चीजें आपकी आती रहती हैं। ये जो भी मैंने खर्चा बताया है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड खर्चा है, पीछे से काफी खर्चे लोगों के होते हैं जो कि हम बता नहीं सकते हैं। बता इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि इस महीने ये खर्चा आ रहा है, उस महीने वो खर्चा आ रहा है, तो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है वो, है ना। तो हर घर के अंदर खर्चे होते हैं, वो हम लोग बता नहीं सकते हैं। आप खुद को भी, आप लोगों को भी इन चीजों के बारे में पता हुआ है ना, बट ये मोटा मोटा खर्चा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 1750 पाउंड मेरा पर मंथ का खर्चा यहाँ पे आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो नर्सिस की सैलरी है वो तो वही 20,000 रुपये है ना, मैं सॉरी 2000 पाउंड्स है ना। तो 2000 पाउंड्स के अंदर अगर मेरी 750 पाउंड्स मेरी ये सब खर्चा निकल जाता है तो मेरे पास कितने बचते हैं पर मंथ, मेरे पास 250 पाउंड बचते हैं पूरे महीने के। ये मेरी सेविंग है, ऐसा नहीं है, है ना। इसके अंदर रीजन ये है कि अगर आप 3 शिफ्ट भी एक्स्ट्रा कर, देखो अगर आपका खर्चा ज्यादा है आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको पैसा बचाना है एट द एंड। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा, मुझे पता है मेरा खर्चा ज्यादा है और मुझे खुद को सपोर्ट करना है, तो मैं वो इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि वहां से मुझे कुछ रिटर्न मिल सके जो कि मेरी हेल्प कर सके। तो हाँ, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वहां से थोड़ा बहुत मेरा रिटर्न अच्छा खासा आ जाता है वहां से। दूसरी चीज आती है कि मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करता हूँ, तो मानो अगर मैं हफ्ते में एक एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करता हूँ तो टोटल मिला के मेरी 4 एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गई। तो 4 एक्स्ट्रा शिफ्ट के हमें कितने पैसे मिलते हैं, 4 एक्स्ट्रा शिफ्ट के हमें पैसे मिलते हैं, मेरे को मिलते हैं 1 शिफ्ट के 320 पाउंड अगर मैं नॉर्मल डे में नाइट करके आता हूँ। तो बाकी वीकेंड वगैरह में करता हूँ तो वो ज्यादा मिलते हैं, उसकी छोड़ो मैं नॉर्मल डे की बता देता हूँ आपको ना, वीकडेज जो होते हैं। तो 320 पाउंड मेरे को एक नाइट के मिलते हैं, तो आप लगा लो 300 पाउंड भी लगा के देखते हो तो 3, 3, 6, 6, 9, 12 मतलब 1200 पाउंड आपके वहां पे हो गए। तो 1200 पाउंड 1700 में से आप निकाल लो तो आपका कितना बचा यहाँ पे, 550 पाउंड आपके पास बच गया है ना। तो 550 पाउंड आपकी सैलरी में से आप निकाल लो तो आपके पास लगभग, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का ज्यादा किसी का कम, पर 1000 पाउंड नॉर्मली आदमी बचा सकता है अगर वो सही तरीके से और प्लान के हिसाब से चले। तो आपके पास 1000 पाउंड आपके पर मंथ आप सेव कर सकते हो। बट आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करता हूँ, बहुत रेयर चांस आती है जिसके अंदर मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करता हूँ, बट फिर भी जो खर्चा है वो हो जाता है मैनेज कैसे ना कैसे करके इन सब चीजों के अंदर। तो हाँ, ये मेरा टोटल खर्चा था और एकदम जेन्युइन खर्चा था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो भाई घर लेने वाला है उसको पता होगा। और देखो काफी सारे लोग ऐसे भी करते हैं, एक ट्रिक और बताता हूं आप लोगों को कि जैसे मैंने आपको बताया मेरे 3 बेडरूम हाउस है यहाँ पे ना, तो काफी सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि 3 बेडरूम है, तो जैसे हम तो खैर 2 इंडिविजुअल रह रहे हैं, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जो घर के अंदर काफी सारे लोगों को रख लेते हैं यहाँ पे है ना, कि एक रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, दूसरे रूम में 2 बंदे रह रहे हैं और एक रूम उसने खुद के लिए रखा हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास रेंट आ जाता है, रेंट से ही आपका मोर्गेज, आपका खर्चा, ये सारी चीजें वहाँ पे निकल जाती हैं। और मैं चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा भी है, बट मैं रखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरी प्राइवेसी पसंद है, मेरे को मेरा जो खुद का पर्सनल स्पेस है वो पसंद है, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। तो हाँ, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप किसी को रख सकते हैं अपने साथ, आप हाउस शेयर जिसको बोलते हैं ना, अपना जो हाउस है किसी का शेयर कर सकते हैं और आप उनसे पैसा ले सकते हैं। तो हाँ, अब ट्रिक्स हैं वो, देखो आप अपने हिसाब से आप लगा लो। भाई जो मेरा खर्चा है मैंने आपके सामने रख दिया है, अब आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से लेना है आप लोग ले सकते हैं कि भाई मेरा ये खर्चा लगता है 2023 में, दिसंबर में बात कर रहा हूँ, कल परसों में 2024 भी लग जाएगी, बट खर्चा मेरा यही है जो आप लोग मैंने सामने रखा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपने जो 23 से 24 मिनट मुझे दिए हैं इस वीडियो के अंदर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।